6 जुलाई का ये अवसर हमारे लिए दो प्रकार से महत्वपूर्ण है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जन्म जयंती का पर्व है और आज ही के दिन आजाद हिंद फौज ने विश्व के सामने आजादी के जंग के लिए बिगल बजाया था। मित्रों, आज भी हिंदुस्तान में सुभाष बाबू को आजादी जंग के एक वीर सैनिक के रूप में देश सम्मान और गौरव के साथ याद करता है और सुभाष बाबू के जीवन की विशेषता रही थी कि जिस समय जो मार्ग उनको उचित लगता था, जिस समय जिस मार्ग से सिद्धि हासिल हो सकती है उस मार्ग पर जाने से कभी वो कतराते नहीं थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया और सशस्त्र क्रांति का रास्ता भी चुना। हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में सुभाष बाबू जैसा ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत कम मिलता है कि जिन्होंने जीवन का काफी समय अहिंसक आंदोलन के साथ गुजारा हो, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जीवन खपाया हो, लेकिन आजादी की ललक जिसे चैन से सोने न देती हो, आजादी की ललक उसे बेचैन बनाती हो और एक पल उसको विचार आता हो कि शायद इस रास्ते से अंग्रेजों को झुकाया नहीं जा सकता है, और तब जाकर के हिंदुस्तान के अंदर एक सेना रूपी व्यवस्था खड़ी करके कुछ भी हो जाए हम अंग्रेजों को खदेड़ के रहेंगे, हम अंग्रेजों को परास्त करके रहेंगे, इस मिजाज के साथ निकल पड़ना आप कल्पना कर सकते हो। मित्रों, हिंदुस्तान के बाहर जाना, एक पूरी फौज खड़ी करना, और इतना ही नहीं, चलो दिल्ली का मंत्र लेकर के पूरे देश को आंदोलित करने का सामर्थ्य उस महापुरुष पर कितना दम होगा। अब तब तो किसी भी नेता की आवाज पहुंचाने के लिए इतने साधन भी उपलब्ध नहीं थे, न टीवी थे, न इतने अखबार थे, लेकिन जन जन तक उनका सामर्थ्य था कि लोगों तक पहुंचता था। आज भी हिंदुस्तान का छोटा सा भी बालक अगर ये कहा जाए कि चलो दिल्ली, इतना कहते ही उसके चेहरे पर, उसकी स्मृति पलट पर सुभाष बाबू की याद आना बहुत स्वाभाविक होता है। अगर कोई कहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुरंत सुभाष बाबू की याद आती है। यानी जन जन के दिल में किस प्रकार से जगह बनाई होगी इसका हम अंदाज कर सकते। सुभाष बाबू का गुजरात के साथ भी निकट का नाता रहा था। 1938 सूरत के पास हरिपुरा कांग्रेस जो फेमस है, कांग्रेस के इतिहास के जो टर्निंग पॉइंट है, उस कांग्रेस के इतिहास के टर्निंग पॉइंट में 1938 का महत्व है। और उस समय हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष बाबू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था और अपने बलबूते पर किया था, किसी के आशीर्वाद के कारण प्राप्त नहीं हुआ था, उन्होंने अपना दम दिखाया था। और वजह यह है कि गुजरात की धरती पर उन्होंने सिद्ध किया था। लेकिन उस 1938 के बाद पता नहीं क्यों इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना, कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण घटना, लेकिन चूंकि एक परिवार उसमें लाइमलाइट में नहीं था, इसलिए उस घटना को भुला दिया, उस घटना को भुला दिया गया। वरना किसी को भी गर्व होना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, इसका गौरवगान होना चाहिए, लेकिन भुला दिया गया।
मिटने नहीं देंगे। हम इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं और हम इतिहास को इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं कि वो समाज इतिहास कभी नहीं बना सकता जो समाज इतिहास भूल जाता है। इतिहास वही रच सकता है जो इतिहास की धरोहर से प्राण शक्ति प्राप्त करता है, वही तो इतिहास बना सकता है। और इसलिए हमने जब हम पूरे गुजरात के अंदर ग्रामीण क्रांति का एक नया विवेक बजा रहे थे, अब तब जाकर के हमने हरिपुरा कांग्रेस की याद में 2009 में हरिपुरा गांव में जाकर के और जिस प्रकार से उस समय सुभाष बाबू को बैलगाड़ी से ले जाने का एक बहुत बड़ा काम उस वहां के किसानों ने किया था, वैसा ही दृश्य दोबारा जीवित किया था। और उस दिन हमने बैलगाड़ी से लेकर के सैटेलाइट तक की यात्रा को जोड़ा था और गुजरात के 18,000 गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का शुभारंभ किया था। लेकिन अवसर हमने चुना था हरिपुरा को, सुभाष बाबू की उस घटना को, ताकि हर प्रगति के साथ इन महापुरुषों का हम स्मरण कर सके और उनके साथ जीवन से प्रेरणा ले सके। और भाइयों बहनों, मैंने उस दिन कहा था, मैं आज दोबारा दोहराना चाहता हूं, सुभाष बाबू के समय आवश्यकताएं कुछ और थी। सुभाष बाबू के समय अंग्रेजों के खिलाफ जंग जीतना, सुभाष बाबू के समय अत्याचार और जुल्मी शासकों को समाप्त करना आवश्यकता था। और उस समय सुभाष बाबू ने जो रास्ता चुना था, उस रास्ते के तहत उन्होंने देश के नौजवानों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा दिया था। मैंने हरिपुरा में नारा दिया था और मैंने गुजरात की जनता से मांगा था कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा। आजादी के समय लोग देश के लिए मरते थे, आजाद हिंदुस्तान में देश के लिए जीने वालों की जरूरत होती है। आज हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम देश के लिए मर सके, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम देश के लिए जी सके। तो सुभाष बाबू कितने फलक पर सोचते थे उस समय, अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ने के लिए और हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने जर्मनी में रेडियो की शुरुआत की थी और फिर एक बार गुजरात का नाता। जब जर्मनी से सुभाष बाबू रेडियो प्रसारित करने का काम होता था, देश की आजादी का युगल बजता था, तो उसका सारा कारोबार सुभाष बाबू के एक साथीदार हमारे गुजरात के गौरव श्रीमान एमआर व्यास करते थे। उस रेडियो का प्रसारण एमआर व्यास करते थे। इतना ही नहीं, सुभाष बाबू जब सिंगापुर से चले इंफाल तक आए और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और शायद सशस्त्र क्रांति का अंतिम अध्याय एक प्रकार से माना जाता है, उसके बाद आजादी प्राप्त करने का माहौल बन चुका था, अंग्रेजों पर विदेशों से प्रेशर बढ़ा था और सुभाष बाबू ने अपनी भूमिका निभाई थी। और तब जाकर के 100 से अधिक फौजी सैनिक आजाद हिंद फौज में गुजरात के लोग थे, उनके साथ काम किया। आजाद हिंद फौज की कथा शायद हिंदुस्तान की जनता को जानने को न मिलती। उस समय यहां का एक अखबार जन्मभूमि, उस अखबार के एक बालिक थे अमृतलाल सेठ, उस जमाने में धोती कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति, लेकिन भीतर का पत्रकार इतना ताकतवर था अमृतलाल सेठ का। और एक पत्रकार क्या कब दिखाता है, उसका उत्तम उदाहरण अमृतलाल सेठ है। तो यहां से सिंगापुर गए और आजाद हिंद फौज की पूरी घटनाक्रम को दुनिया के सामने पहली बार अखबार के माध्यम से लाने का काम एक गुजराती अखबार जन्मभूमि ने किया था अमृतलाल सेठ।
हमारे एक परिवार गोटाई परिवार, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, एक पाई भी अपने पास रखी नहीं थी, पूरी संपत्ति सुभाष बाबू के चरणों में दे दी थी, पूरी संपत्ति। देश की आजादी के लिए सुभाष बाबू आप इतना करते हैं, हम हमारे परिवार की सब चीजें आपको दे देते हैं। तो ये नाता सुभाष बाबू के साथ हमारा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, देश का दुर्भाग्य है, आज कहां से कहां पहुंच गए। मुझे तो कभी डर लगता है कि ये लोग इसी प्रकार के कारनामे करते रहे तो इतिहास के पन्नों पर नई पीढ़ी को सरदार पटेल और सुभाष बाबू का नामो निशान नहीं मिलेगा। ऐसे ही लोग हैं, और इसलिए इस छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से, इस ट्रस्ट के प्रयासों के माध्यम से हम लोगों ने इस भाव को जीवित रखना है, हमारा दायित्व, राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है। और चिंकारा जी, सांगमा जी, उनके सभी साथी, और हर वर्ष ये अलग अलग जगह पे कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल उन्होंने गुवाहाटी में किया था, और इस बार से मुझे कहा, ये बात भी कोई दो महीने पहले सांगमा जी के साथ मेरी हुई थी, और तब तो ये राष्ट्रपति वाला विषय नहीं था कहीं, तब तो ऐसे ही मेरी पुरानी दोस्ती के उठा तो उन्होंने कहा, मोदी जी इस बार हम आपके मेहमान बनना चाहते हैं, मेरा आपका स्वागत है, और सुभाष बाबू का नाम लेकर के आते हो तब तो डबल स्वागत है। और इसमें क्या कार्यक्रम फैसला हुआ, और बाद में ये राष्ट्रपति वाला मसला आ गया, और जो सुभाष बाबू के नाम के साथ जिंदगी खपाने वाले लोग हो, उन लोगों के लिए विजय मुश्किल नहीं होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहां गुजरात में 9 बार एमपी बना हुआ एक भी व्यक्ति नहीं है, ये 9 बार पार्लियामेंट के मेंबर हैं। 18 साल केंद्र में मंत्री रहे, मेघालय प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी भी सीबीआई, सीएजी कुछ नहीं आया, एक दाग नहीं लगा, एक दाग नहीं लगा। पहली बार जब वो स्पीकर बने थे, मैं संसद की गतिविधि देखने के लिए इसलिए रुचि रखता था, उस समय मैं देखता था, आप लोग भी याद कीजिए, मैं वर्णन करता हूं, उसे अंदाज कीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए सांगमा जी का स्मरण कीजिए, और पार्लियामेंट की किसी भी घटना के समय उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, याद कीजिए, एक छोटे निर्दोष बालक की तरह वो मंच पर, इनोसेंट बालक की तरह, यानी सबके मन में उनका ये रूप आज भी स्थिर है मन मंदिर पर, और उसका मूल कारण आदिवासी में जो निर्मलता होती है ना, आप अनुभव करते हैं, वो आदिवासी वाली निर्मलता हिंदुस्तान के संसद के अध्यक्ष पद पर विराजमान थी। और क्यों न देश का आदिवासी ये न चाहे कि कभी राष्ट्रपति भवन में भी हिंदुस्तान के आदिवासी का आवास हो। मैंने सुना, अभी मुझे बता रहे हैं, कोई 14 पार्टियां तो ऑलरेडी जुड़ गई है, और भी जुड़ेगी, और चमत्कार आज भी होते हैं। श्रीमान चिंकारा जी से मेरा परिचय बहुत पुराना रहा है, वो भूल गए थे, मैं भूला नहीं था, वर्णन कर रहे थे, क्योंकि मैं कई वर्षों तक हरियाणा में जब काम कर रहा था, और हरियाणा में करीब करीब हर परिवार में कोई कोई फौजी होता है, तो स्वाभाविक रीते इन फौज से निकले हुए लोगों से मेरा मिलना जुलना जरा ज्यादा ही रहता था, तो उसके कारण ब्रिगेडियर साहब से भी
उसमें बड़ा संपर्क बनाया था, लेकिन वे सुभाष बाबू के इस काम के लिए समर्पित हैं। गुजरात हमेशा जितने उमंग और उत्साह के साथ सुभाष बाबू के साथ खड़ा था, उतने ही उमंग के साथ सुभाष बाबू के इस विचार को आगे बढ़ने के लिए खड़ा है। भाइयों बहनों, एक मन की बात बताने का मन कर जाता है, इसलिए मैं इस विषय के छट करके भी कुछ कहना चाहता हूं। बीस साल के बाद मैं उस मूवी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, बीस साल के बाद मनमोहन सिंह जी फिर से एक बार वित्त मंत्री बन गए हैं। अब पिछले दो दिन से उन्होंने बोलना शुरू किया है, और वो कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में कैसा बदलाव आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सब सुना होगा दो दिन से। मेरे मन में सवाल उठता है, और सवाल बड़ा गंभीर है। मेरे मन में सवाल ये उठता है कि जब तक आप वित्त मंत्री नहीं थे, तब भी आप देश के प्रधानमंत्री थे। अगर इन बातों को जो आप 24 घंटे से बोल रहे हो, इसी से अगर देश का अर्थतंत्र आगे बढ़ने वाला था, तो आपको बोलने से रोका किसने था? आपको वो कदम उठाने से कौन रोक रहा था? क्या कारण है वित्त मंत्री ने इस्तीफा देने के बाद आपको ये नया विजन आ गया? क्या वित्त मंत्री थे वो इन बातों को करने नहीं देते थे? देश जानना चाहता था। क्या आप नहीं चाहते थे कि ये वित्त मंत्री को सफलता मिल जाएगी, इसलिए ये जड़बूटी उनके हाथ न लग जाए? प्रधानमंत्री थे, सरकार आपकी थी, नेतृत्व आपका था, देश आर्थिक संकटों के अंदर और गहरा डूबता चला जा रहा था। क्या यह आपका दायित्व नहीं था कि वित्त मंत्री कोई और भी रहे, तब भी इन विषयों को लेकर के देश के सामने आप आते? नहीं आए। क्यों? देश जानना चाहता है क्या जरूरत पड़ी इन 24 घंटे में ही अचानक आपको देश की अर्थनीति को प्राणवान बनाने के लिए नए नए विचार आ रहे हैं? और वित्त मंत्री तो आप ही के दल के थे, वहां तो कोई कोएलिशन पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम नहीं था, आप इनकी पार्टी के दो लोग हो, तो फिर कौन रोकता था? देश जानना चाहता है। अगर वो आप कहते कि नहीं ऐसा नहीं था, तो फिर आज जो आप बता रहे हो, इस पर किसी का कोई भरोसा नहीं। तो देश किस प्रकार से संकटों से गुजर रहा है, सुभाष बाबू जहां भी होंगे उनकी आत्मा को बहुत बड़ा दर्द होता होगा। ये क्या देश को बना दिया है लोगों ने, क्या हाल कर दिया है देश का। भाइयों बहनों, सांगमा जी जैसे लोगों का हमें मार्गदर्शन मिले, और नॉर्थ ईस्ट से दूर सुदूर हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके से, भाइयों बहनों, सूरज सबसे पहले पूरब में ही उगता है, और तब जाकर के हम रोशनी के हकदार बनते हैं। हम भी आशा करते हैं कि फिर एक बार सूरज पूरब में उग जाए और देश रोशनी का हकदार बने। हम सांगमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और मुझे विश्वास है उनका ये निर्दोष व्यक्तित्व देश के आदिवासियों की प्रेरणा,
देश के आदिवासियों की एक शक्ति, ये आवाज हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्थान पर भी गूंजेगी। ये आज इस वीरत्व दिवस पर उस वीरत्व वाले संकल्प करने का भी मन करे बड़ा स्वाभाविक है। फिर एक बार इतनी बड़ी संख्या में आप आए और आज आजाद हिंद फौज की कैप हमें दी है, तो एक बहुत बड़ा सम्मान है हमारे सर पर दिया गया है। मैं सभी योजकों का अभिनंदन करता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा अगर आपके पास एक कैप पहुंची है तो कुछ पल के लिए जरा सर पर लगा दीजिए, इसको जरूर पहनिए, गौरव के साथ पहनिए, कुछ पल के लिए पहनिए। मित्रों, आज के दिन ये बहुत बड़ा गौरव का पल है, इसको चूकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।